Hello everyone, how are you? So in this video we will do the difference between this is a continuation in the series parts of speech. ठीक है, parts of speech हम कर रहे हैं, उसी के continuation में हमारे जो final के तीन topics रहेंगे उनमें से दो कर रहे हैं हम, and those are adjectives and adverbs. So main topics that we are going to cover today are the difference between adjectives or adverbs. ये होते क्या हैं, इनका function क्या है और इनमें difference क्या है. ठीक है, that those are the things that we are going to cover today. तो without any further ado, adjectives. Adjectives क्या करते हैं, adjectives describe करते हैं किसको, noun को. और adverbs क्या करते हैं, adverbs describe करते हैं किसे, yes you are right, verbs को. adjectives और adverbs में main difference यही है कि adjectives noun की qualities बताते हैं और adverbs जो है वो verbs की qualities बताते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं, फंक्शन में कुछ खास है नहीं, तो सिंपल टॉपिक है, फटाफट कवर हो जाएगा हमारा. जस्ट पे अटेंशन फॉर अनदर 10 मिनट्स. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं. द टॉल क्लाउन केम आउट ऑफ अ रेड कार. सो अ टॉल क्लाउन केम आउट ऑफ अ रेड कार. एडजेक्टिव्स हैं, नाउन की अगर हमें क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करनी है तो हमारे पास नाउन भी तो होना चाहिए. तो इस सेंटेंस में अगर हम नाउन ढूंढें तो हमारे पास दो नाउन मिलते हैं, एक क्लाउन, क्लाउन मतलब जोकर, और एक कार. क्लाउन कैसा है, टॉल है. क्लाउन कैसा है, टॉल है. और कार कैसी है, रेड है. कार कैसी है, रेड है. तो ये दोनों मिल हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं. दीज आर टू एडजेक्टिव्स जो हमारे नाउन की क्वालिटीज़ को बता रहे थे. ठीक है, अब इसी में ही अगर हमें एक, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूँ. दिस इज अ स्मॉल, दिस इज एन अनदर एग्जांपल, स्मॉल ब्लू कलर्ड बॉल ऑफ प्लास्टिक. दिस इज अ स्मॉल ब्लू कलर्ड बॉल ऑफ प्लास्टिक. तो इसमें हमारे कौन कौन से, पहली बात तो नाउन कौन सा है, बॉल. कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, स्मॉल है, ब्लू है, प्लास्टिक है. ठीक है, तो इधर हमारा जो स्मॉल है वो उसका साइज़ बता रहा है, जो ब्लू है उसका कलर बता रहा है, और जो प्लास्टिक है वो किस चीज़ का बना है वो बता रहा है, किस सब्सटेंस का बना है. ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और इधर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, ये कि ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का एक ऑर्डर भी होता है कि किसी चीज़ की अगर आपको खासियत, क्वालिटी लिखनी है तो वो किस ऑर्डर में लिखनी है. ठीक है, पहले आप उसका साइज़ लिखेंगे, फिर आप उसकी क्वालिटी लिखेंगे, फिर आप उसका कलर लिखेंगे, देन उसका ओरिजिन लिखेंगे कि वो कहाँ से आई है. ठीक है, फिर आप उसका सब्सटेंस लिखेंगे कि वो किस चीज़ की बनी है. तो आपका अगर कोई भी ऑर्डर रहेगा किसी चीज़ को एडजेक्टिव्स लिखने का, एक्सप्लेन करने का, तो वो यही रहना चाहिए. इधर भी देखो यही ऑर्डर में, सबसे पहले साइज़ आया, फिर क्वालिटी हमारे पास थी नहीं तो उसके बाद क्या आ गया, कलर आ गया, उसके बाद ओरिजिन हमारे पास था नहीं तो उसके बाद हमारा सब्सटेंस आ गया. तो इसी ऑर्डर में रह रहा है ना. तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें यहीं पर इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ठीक है, पहले हम साइज़ लिखते हैं. ठीक है, साइज़ हमारा आ जाएगा, कोई और सेंटेंस बनाते हैं नया कार के ऊपर. ठीक है, आई हैव ए स्मॉल रेड कार. मेरे पास एक स्मॉल रेड कार है. तो दो मैंने एडजेक्टिव्स लिखे, एक स्मॉल और एक रेड. पहले उसका साइज़ आ रहा है, फिर उसका कलर आ रहा है. ये हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से ठीक है. साइज़ आ गया और कलर आ गया. ठीक है, अगर तो मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है. अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आई हैव ए रेड स्मॉल कार, तो ये साउंड भी थोड़ा सा अजीब कर रहा है, गलत कर रहा है ना. क्यों, क्योंकि पहले हमने कलर लिख दिया, फिर हमने स्मॉल साइज़ लिखा, और जबकि ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव के हिसाब से पहले साइज़ फिर कलर आना चाहिए था. तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया. तो पे अटेंशन, कभी भी आप एडजेक्टिव्स लिखेंगे वो करेक्ट ऑर्डर में लिखना. ठीक है, वो करेक्ट ऑर्डर में लिखना. दिस इज़ ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव. तो यहीं तक हमें करना है, एडजेक्टिव्स का पोर्शन हमारा कवर हो गया. ठीक है, अब एडवर्ब्स पे आ जाते हैं. ठीक है, किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. एग्जांपल लेते हैं हम, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड. उसने बॉल को बहुत हार्ड
हिट करा, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड. अब यहाँ पे अगर हम वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमारे पास वर्ब भी तो होना चाहिए ना. यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, हिट. हिट का मतलब मारना, ठीक है. बॉल को किस तरीके से मारा गया, वेरी हार्ड मारा गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा. बॉल को कैसे मारा, वेरी हार्ड मारा, तो ये एडवर्ब हो जाएगा. अब पे अटेंशन, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या कहा मैंने, बॉल को कैसे मारा, वेरी हार्ड मारा. तो जब भी कोई कैसे कोई काम हुआ इसका आंसर करेगा तो वो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, शी केम आफ्टर यू, शी केम आफ्टर यू. तो क्या काम चल रहा है यहाँ पे, केम आने का काम चल रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया. कब आया, आफ्टर आया, ये हमारा एडवर्ब हो गया. अगेन पे अटेंशन, मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, कब. तो कोई भी अगर कब का आंसर करेगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ही वेंट इनसाइड द हाउस. अगेन काम क्या हो रहा है, वेंट का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया. और इसकी खासियत कहाँ पे, वेंट कहाँ पे गया, वो गो का पास्ट टेंस वेंट होता है ना, तो कहाँ पे गया, वो इनसाइड गया, ठीक है. तो ये हमारा एडवर्ब हो गया. अगेन पे अटेंशन, क्या वर्ड मैंने यूज़ करा, कहाँ. तो कभी भी कोई एडवर्ब अगर कहाँ गया का आंसर देगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है. इसी का एक और एग्जाम्पल है, ही ब्रशेस हिज टीथ डेली, वो अपने टीथ डेली ब्रश करता है. तो ब्रशेस क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब आ जाएगा. कब ब्रश, कितनी बार ब्रश करता है, डेली ब्रश करता है, तो ये हमारा एडवर्ब आ जाएगा. अगेन मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कितनी बार, कितनी बार कोई काम हुआ, ये अगर बताएगा कोई एडवर्ब तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो हमने यहाँ पर एडवर्ब का क्या क्या पोर्शन कवर करा स्टूडेंट्स. एक बात, एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, ठीक है. अगर वो बताएगा कि कोई काम कैसे हुआ तो एडवर्ब ऑफ मैनर, वो बताएगा कोई काम कब हुआ तो एडवर्ब ऑफ टाइम, वो बताएगा कोई काम कहाँ पर हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर वो बताएगा कोई काम कितनी बार हुआ तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेम हियर, नाउन क्या करता, एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. और किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमारे लगेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमारे लगेंगे वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए. और वो ऑर्डर क्या है हमारा, पहले साइज़, फिर क्वालिटी, फिर उसका कलर, फिर उसका ओरिजिन, वो कहाँ से आया, और फिर सब्सटेंस, वो किस चीज़ से बना है. यानी कि अगर मैं लिखूँ दिस इज़ अ स्मॉल ब्लू कलर्ड प्लास्टिक, बॉल ऑफ प्लास्टिक, तो ये सारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से है, ठीक है. आई हैव अ स्मॉल रेड कार, पहले साइज़ आया फिर कलर आया, इसके हिसाब से, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से, तो ये सही है. अगर मैंने लिख दिया आई हैव अ रेड स्मॉल कार, पहले उसका कलर आ गया फिर साइज आया, तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं है, तो ये गलत हो गया. सो दिस वॉज योर क्लास ऑन द मेन डिफरेंसेज बिटवीन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में डिफरेंस पता चल गया होगा. अब हमारा प्लेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, एंड दैट इज़ इंटरजेक्शन. वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. फिर हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि वो इतनी यूज़फुल क्यों थी, ठीक है. गुड बाय एवरीवन. इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ यूज़फुल, अपने फ्रेंड से शेयर करना, सबको शेयर करना. इंग्लिश में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी वीडियोज़ देखकर सीख सकते हैं. बेसिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग जो कमेंट्स में रिक्वेस्ट करोगे वो भी, उसके ऊपर भी वीडियोज़ मैं बना दूंगा. गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर